और देखो रास्ते में स्नो, ये रिवर फ्लो हो रही है और ये स्नो। अखरोट, मूंगफली और खसखस। गाड़ी स्केट मार रही है, बुरा हाल हो रहा है। ओह अच्छी खासी फ्रीज है मतलब। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स एंड वेलकम बैक टू मनाली सीरीज ऑल्सो। हम मनाली को एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसेंट वीडियोस में आपने देखा होगा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मनाली लोकल में। एक्सप्लोर करने के लिए मतलब घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं एंड साथ में यहाँ का लोकल खाना भी आपको देखने को मिलेगा। और मेरे साइड में देखो अपने जस्ट होटल के बाहर ये वाइट जो दिख रहा है ना रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये है स्नो। जस्ट 2 दिन पहले बहुत भयंकर वाली स्नोफॉल हुई थी मनाली में, वो भी मैंने कैप्चर किया है, वीडियो है चैनल के ऊपर, जरूर देखना। एंड अगर आपने सोलांग वैली की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखना, बहुत अच्छी खासी स्नोफॉल हुई अपनी मनाली में जनवरी 2023 में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं मनाली लोकल के अंदर क्या क्या घूमने के लिए है। अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अपनी गाड़ी आ चुकी है, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। हाँ जी, सो अपने दिन की शुरुआत हमने आज करी है वशिष्ठ से मनाली के अंदर। एंड ये एक ऐसी लोकेशन है जो आपको एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक टेंपल है जो मेन है, थोड़ा ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ रहा है, गाड़ी नीचे खड़ी हुई अपनी। अच्छी खासी मार्केट भी यहाँ पे, एंड यहाँ पे होटल भी मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे होटल लेते हो तो आपको बहुत ही प्यारा भी देखने को मिलता है। चलो ऊपर चलते हैं, तो ठंड में ट्रैक करना एक अलग ही हो जाता है। सो गाइज, ये है वशिष्ठ टेम्पल एंड जो कि मेन मतलब लोकेशन है, मेन अट्रैक्शन है वशिष्ठ के अंदर। बाकी यार बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है मंदिर का। एंड यहाँ पे जो सबसे खास चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक हॉट वाटर स्प्रिंग देखने को मिलता है। लेडीज़ के लिए अलग से बात बनाया हुआ है, मतलब बात के लिए, मैन जेंट्स के लिए अलग से है। लेके चलता हूँ वहाँ पे, जो कि नेचुरली गर्म पानी आ रहा है इसमें। एंड यहाँ पे स्नो भी है अभी, तो इससे एक और एड ऑन हो रहा है इसकी ब्यूटी में, देखो ज़रा सामने। सो बेसिकली वहाँ से अपने एंट्री करी थी एंड ये यहाँ पे देखो स्नो है सर नीचे, वो है मेन मंदिर। एंड उस तरफ यहाँ से रास्ता जा रहा है उस तरफ आपका हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए, हॉट वाटर बाथ चलते हैं। हाँ फटाफट से आओ, देखो सो भाई ये है आपका हॉट वाटर स्प्रिंग का वशिष्ठ टेम्पल के अंदर। एंड चेक करते हैं पानी कितना गर्म है। ओ भाई बहुत ही ज़बरदस्त गर्म है, तो एकदम उबलता हुआ पानी देखो, भाप भी उठ रही है इसमें। सो गाइस ये था आपका वशिष्ठ टेम्पल एंड इसके जस्ट साथ में आपको राम मंदिर देखने को मिलता है। और देखो रास्ते में स्नो नीचे भी, चलो ऊपर चलते हैं इसका देखते कैसा है। सो भाई ये देखो सामने का व्यू वशिष्ठ के, जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि भाई जो होटल्स यहाँ पे है ना, जैसे इधर देखो होटल बने हुए हैं, इसके सामने आपको ऐसा व्यू देखने को मिलता है। तो वशिष्ठ में अगर आप रुकते हो तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, अलग ब्यूटी ने मनाली की, देखो ज़रा। हाँ जी, सो वशिष्ठ के बाद अब हम आ चुके हैं ओल्ड मनाली में। एंड ओल्ड मनाली की जो ब्यूटी है सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देवदार के, भैया देवदार बोलते हैं ना, देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है शानदार है। और ओल्ड मनाली में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ हिडन जेम्स भी दिखाएंगे आपको, अनएक्सप्लोर्ड जगह भी। सो भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है अभी यहाँ पे ओल्ड मनाली में, मतलब भाई फिसलन हो रही है, ब्लैक ऐसा बहुत गंदी वाली। गाड़ी से नीचे उतर गए और देखो गाड़ी स्केट मार रही है, बुरा हाल हो रहा है, पैदल चलने में दिक्कत हो रही है गाड़ी का, तो क्या होता है ये कुछ स्ट्रगल है जब स्नोफॉल हो जाती है उसके बाद का।
इसीलिए है कि भाई अपनी गाड़ी से ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ के टैक्सी बुक करूँ लोकल, थोड़ा सेफ साइड रहता है, बढ़िया स्लो में। तो गाइज ये है ओल्ड मनाली के अंदर क्लब हाउस, जो कि काफ़ी फेमस है। जब आप ओल्ड मनाली में एंटर करते हो तो आपको सबसे पहले यही देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जिप लाइनिंग वगैरह वो आप कर सकते हो, एंड यहाँ पे रिवर साइड व्यू बैठो आराम से स्नो के टाइम पे। मतलब देखो सामने ये रिवर फ्लो हो रही है और ये स्नो ये एड ऑन कर रही है इसकी ब्यूटी में। तो आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, एंड वहाँ मैगी बन रही है, मैगी भी आप इन्जॉय कर सकते हो। उधर जिप लाइनिंग का सेटअप है, तो ऐसा कुछ है क्लब हाउस में। बाकी आपको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए मिल जाता है, कुल्लू शॉल्स हो गई, हिमाचली कैप्स वगैरह हो गई, तो ये सब आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा है। बट ये जो व्यू है ना भाई, वर्थ इट है। ओल्ड मनाली तो वैसे ही बहुत सुंदर है यार। सो गाइस क्लब हाउस के बाद हम आगे बढ़े हैं, मतलब क्लब हाउस के साथ से एक रास्ता कट जाता है थोड़ा आगे जाके ओल्ड मनाली के अंदर। यहाँ पे एक नेचर पार्क बना है जो कि अभी न्यूली बना है, काफ़ी सारे लोगों उसके बारे में नहीं पता है, यहाँ के लोकल्स को पता है और बहुत ही कम लोगों को। और ओल्ड मनाली कितना सुंदर है देखो ज़रा, ये है एप्पल ऑर्चर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और स्नो में तो इनकी अलग ही ब्यूटी देखने को मिलती है। तो ये है कुछ अपने ओल्ड मनाली की सुंदरता, और इस पर हम पैदल ही जा रहे हैं, पास में ही ऐसे तो, क्योंकि ब्लैक आइस बहुत अच्छी खासी है, तो गाड़ी पीछे ही खड़ी है अपनी। भाई ओल्ड मनाली में आपको होम स्टेज और आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे स्टे करने का भी अलग ही मज़ा है, शांति है, भीड़ भाड़ नहीं रहती इधर, ब्यूटी अलग है, प्लस एप्पल ऑर्चर्ड्स भर के यहाँ पे, और स्नो पड़ जाए फिर तो एक अलग ही व्यू है भाई। देखो ज़रा आगे, सो गाइज ये देखिए कितनी अच्छी खासी बर्फ़ है, और फ्रेश है, मतलब दो दिन पहले की हुई है ये देखो। और ये छोटा सा ब्रिज है एंड इधर से वाटर फ्लो है, ऐसा कुछ सामने का व्यू है, बहुत बेहतरीन। एंड ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पे, मतलब कुछ लोग ही बैठे यहाँ पे, ज़्यादा लोग है नहीं, शांति है, पीस है। और इधर कुछ ऐसा है, ओके देखते हैं आइए। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, वॉकिंग ट्रेल है इधर, और इधर आपका एक एम्फी थिएटर भी आ गया, एक मेन लेक है, बहुत कुछ है, मतलब चिल्ड्रंस के लिए एक प्लेइंग एरिया भी बना हुआ है उस तरफ, वहाँ पीछे की तरफ। यहाँ पे देखो ये आर्टिफिशियल ये लेक बना रही है छोटी सी, एंड ये इसका कुछ व्यू है, दृश्य देखिए ज़रा। हाँ जी, सो गाइस मैं नेचर पार्क में आगे बढ़ ही रहा था, मुझे कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला, जो मैन मेड लेक है यहाँ पे, ये एक फ्रीजर रखी है जमी हुई है, देखो ज़रा, मतलब इतनी कुछ खास जमी लग नहीं रही, लेकिन देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है, देखो ज़रा एक बार ध्यान से, ये है कुछ सीन, फ्रीजर रखी है ये, ऐसे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, अब इसको थ्रो करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। ओह अच्छी खासी फ्रीज है, मतलब बीच में वो टूट गया, बट हाँ मतलब अच्छा ठीक ठाक फ्रीज है, बस ये है कि इसमें उतरना ठीक नहीं है, इतनी भी फ्रीज नहीं है कि उतर जाए इसमें, मतलब पैर रख ले नीचे पहुँच जाएंगे नहीं तो। बट अच्छा है यार, ये जो नेचर पार्क है ना बहुत सुंदर है, बहुत अल्टीमेट है, बढ़िया यार। तो भाई नेचर पार्क से आ गए हम बाकी मेन मनाली में, माल रोड के पास ही आपको देखने को मिलती है ये तिब्बतन मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, एंड
इसका जो व्यू है ना, देखो जरा मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बेसिकली मेन एरिया, यहाँ से अपने एंट्री हुई है एंड ये एरिया है पूरा। अभी अंदर चलते हैं, बट आप ये चीज़ देखो कि इसके पीछे जो माउंटेन्स का व्यू आ रहा है ना, ये इसको एक अलग ही लुक दे रहा है इधर एंड ये, और उस तरफ आ रहा है ऐसा कुछ है। बाकी अंदर चलते हैं, काफ़ी सुंदर बनी हुई है अंदर से, काफ़ी अच्छा खासा इसका स्ट्रक्चर है। अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको अभी। बाहरी चावल और गेहूं के आटे का है, अंदर इसमें दाल है, दाल के साथ ड्राई फ्रूट है, अखरोट, मूंगफली और खसखस। आप बहुत मॉनेस्ट्री के बाहर खड़े हैं सिद्धू खाने के। मंजू आंटी मेरा नाम है। ठीक है आंटी। सो यार देखो, एक चीज़ होती है, किसी भी जो शहर होता है ना, उसकी पहचान ना वहाँ के खाने ट्रेडिशनल खाने से लेकर होती है और उनके कल्चर से लेकर होती है। तो अपने हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना है सिद्धू, एंड मैं पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से यहाँ पे हूँ। हर दूसरे दिन जहाँ भी मेरे को दिख जाते हैं ट्राई करूँ, बहुत टेस्टी होता है। चावल और गेहूं का बना होता है ये, और उसमें सूजी मिक्स होती है, अंडर होती है, स्टफिंग, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, बहुत सही है। और यहाँ पे आंटी है, बहुत मतलब टेस्टी सिद्धू बनाती है, मैंने काफ़ी सुना भी था इनके बारे में, बहुत सही है। और ये आपको मोनेस्ट्री के लिए साम गेट के साथ ही मिल जाता है, एंट्री होती है। मैंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने बताया मंजू आंटी उनका नाम है, काफ़ी सही है। सो गाइज, इसके अलावा आप मनाली में हिडिंबा टेम्पल ज़रूर विजिट करिएगा, एंड स्नो में तो हिडिंबा टेम्पल बहुत सुंदर दिखता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी तरह अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते रहेंगे एंड आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे।